हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक हॉस्पिटल में काम करता हूं और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। आज मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहूंगा कि कोविड एपिडेमिक में अपने बच्चों को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो हमारे एडल्ट हैं उनका एक्सपोजर कम से कम हो। इसके लिए जितने भी लोग बड़े लोग घर के अंदर हों उनको वैक्सीन लगे, वो जब बाहर जाएं पूरी तरह प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाएं। इसके अलावा जब भी घर में लौटें तो अपने हाथ सैनिटाइज करें, हाथ वॉश करें, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक एक्सपोजर ना हो पाए। इसके अलावा जिन बच्चों को एज 15 से 17 साल के बीच में है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब बच्चे बाहर जाएं तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उनको एनक्लोज्ड क्राउडेड स्पेसेस में ना रखा, क्योंकि बंद कमरों में जहां पे भीड़ है वहां पे बच्चों का एक्सपोजर और कोविड फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2 साल से ऊपर के बच्चों के अंदर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हम मास्क अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मास्क जो है वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए 2 चीजों का और ध्यान रखना जरूरी है। कोविड के अंदर हम बच्चों को कमरों में घरों में बंद कर दे रहे हैं, परंतु यह जरूरी है कि खुले स्पेसेस में उनको डेली फिजिकल एक्टिविटी, उनकी नॉर्मल फिजिकल